किछि दिनर व्यवधान परे पूर्णी नंदनकानन विवाद मध्यरे छंदी होईछि। पर्यटक हैरान हेबा किबा माड़ खाइबा भली घटना नुहे, एतर सीधा सळक भाबे मुखियांको उपरे टेंडर फिक्सिंगर अभियोग आसिछि। नंदनकानन उपर निर्देशक ओ टेंडर दायित्व रही दीर्घ 6 वर्ष हेबो राज करथिबा किराणी बाबूंको नामरे संगीन अभियोग आनिछन्ति। दारुठेंगा पंचायतर पूर्वतन सरपंच प्रशांत कुमार राउतराय ओरफ रितु केवल स्थिति नुहे शहर ऊर्ध समर्थक को धरी मंगलवार दिन उपनिर्देशक डॉक्टर संजीत कुमार को घेरी उपनिर्देशक कार्य घेराव करने सजबाज होता बेले उपनिर्देशक गेस्ट हाउस रु खसी पलाइथिले, किंतु गेस्ट हाउस को जाई सेठारे मध्य ओहाला करी टेंडर फिक्सिंग रे उपनिर्देशक ओ किराणी बाबू सुभाष महापात्र को पक्ष करने को पछाई नाहंती। केवल होहला नुहे टेंडर फिक्सिंग रो प्रमाण मध्य देखाई किभली टेंडर बाक्स को भंगा जाई किभली नीति नियम को उल्लंघन करा जाई ठिकादार मानक प्रति अनुकंपा करा जाई छि तहार प्रमाण और फोटो देखाइबा स ऑफिसर और ठिकादारक मध्य मधु चंद्रिकार पर्दाफाश पाई विजिलेंस तदंत दावी करिसेंति। नंदनकानन अधिक राजस्व पाइबा आशारे ठिकादारी नीति को अपनाई किंतु एहा तोरा नंदनकानन ना ऑफिसर अधिक लाभवान होउछंती तहार प्रमाण देइछंती घेरिथिबा युवक माने लक्षाधिक टंका बाकी रखी पुणी टेंडर रे किपरि अंश ग्रहण करिसेंती से कथा मध्ये उठाइछंती। ओपन चेन पूरा डिफरेंट पूरा मैनिपुलेट है छी कोनो संपूर्ण फिक्सिंग है छी आ मु एडी बटन ई दीटा जको जो सील है छी ए दीटा सील डिफरेंट नै खाली एति कोन आपन देखि दे कोन मु मु कोन कोइबी सर तथापि आपन देखु जों दीटा मोटो अछि आपन टेंडर हमर संपूर्ण देखि रहै छी आपन कहि रहै छी अरे कहियो मैं तो सब कहि दो नंदनकानन कर्तृपक्ष खाली चलिबो नै खाली चलिबो नै बॉक्स सील है लास्ट डेट जो थे 26 जुलाई रे से समय प्रत्यक्ष नाप नहीं थी जो सील होता पुणी जिते टेंडर कले आम भाविल जेहेतु सी गोटे क्लॉथ देते आउ जो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसा पकैया थे ईएमआई न ब्लैकलिस्टेड होते कौट कलाकार टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे तेणु से हिसाब से सनबर्न एक्जिस्टेंट पार्टी तार नियम खिलाफ टेंडर से टेक्निकल पार्ट रू कटिया कथा से फाइनेंशियल पार्ट को जीवा कथ नुहे सेठी कौन से कम्प्लेन कलापर शुणिले भितर कौन मधुचंद्रिका चलला कौन डील है भगवान जानते सेठू सी कौन कला क्वाफाई कर से पुणी 2 वर्ष एक्सपीरियंस मागिजे मुझे 10 वर्ष अभिज्ञता देती बोटिंग तेणु 2 वर्ष सी केवल गोटे वर्ष नंदनकानन चलू था तार 2 वर्ष नहीं तीनटा कारण से कटिव एक डिफल्टर पार्टी नंदनकानन ड्यू रखी 30-40 लक्ष इन द टाइम से टेंडर समय से देनी द्वितीय तार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना तृतीय हूँ जो डंगा आर कर ओएमएल डंगा सी रिन्यूआल करनी मोर सब जाक ये तीनटा कारण कटो आम जो जाना पड़े कहीं कंप्लेन है नंदनकानन से टच कल कहीं 4 मास होगा जुलाई में टेंडर बाहर अक्टोबर पर्यटन कहीं करना आजिकल कहीं समय गढ़े लास्ट 12 तारीख दिन मतलब रात में जड़े तुम्हें क्वाफाई हो तुम्हें जीव उठ देख ला तीन जन पार्टी से पार्टी नहीं जहाँ जी कटिया कथा टेक्निकल पार्टी फाइनेंशियल को आठ बहुत आगे बड़ कारबार है सेठी आसला मो सांग मुझे फटो उठेला मिसमैच है जेहतु जो गोटे परचेज कमिटी नहीं कले पीसीसी अफिस नियम थे आमको पचारे आपड़ मैंने ठीक अच्छे आटेन करते ना बक्स ऐसा अच्छी ना ना आमको कौन सी कथ न पचारिकी मन रखी सिल काटिदे सिल काटिदेला देख लापर आम जो देख लु देख लापर आम जान लु सिल चेंज होम प्राइस पीटा को से मैनिपुलेट करके अधिक रेट कर टेंडर दे ये कटिया कथा सी के टेंडर पाइला ये संपूर्ण भाव में कर्तृपक्ष दायी नंदनकानन कर्मचारी दायी ये बड़ बड़ लोक ठिकादार को सुहाइबाई मैंने अन्याय अनीति कर आम तर आलिगेसन करलिगेसन को से मैंने ग्रहण कराया कथा अभोग ग्रहण न करकी प्रोत्साहन देखते तेणु आम डिमाण करुँ तेणु से कल पीसीसीएफ आरसीसीएफ चीफ मिनिस्टर कलेक्टर समस्त पार्टी कर डीएफपी दे डायरेक्टर निजे भेट कर कपी आनी तेणु संपूर्ण टेंडर फिक्स होती तेणु जालियात कराई तेणु आमर कह कथा जिते से लोक दबार था वेबसाइट तुम टेंडर डाकिया ना ये लोकलोचन को डाकुंत भितर नंदनकानन कारबार चली
ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କଲୁ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଟେଣ୍ଡର ମୋର ଯେହେତୁ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ମୋତେ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ 6 ମାସ 10 ବର୍ଷ 10ଟା ଟଙ୍କା କିଣିକି ବସିଲି ଇନଭେଷ୍ଟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ର ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ଚଳିଯିବ, ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମୋର ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଆକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦେବି। ଯିଏ ତଦନ୍ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କରିଛି ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ, ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲିବା ସିଲ୍ ଖୋଲିବା ବକ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରିସାରିଲେଣି, ଏଠି କିଛି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଖାଲି ଟେଣ୍ଡର ନୁହେଁ, ଆଜି ତ ଟେଣ୍ଡର କଥା ଓପନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଫିକ୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ପେପର ବାହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜ ହେଉ, ମିଡ଼ିଆ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କି ନୂତନ ଜନ୍ତୁ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କେବଳ ଠିକାଦାର ଠିକା କାମ ଦେବା, ଟେଣ୍ଡର କରାଇବା, ତା ଛଡ଼ା ଏ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶୁନି। କେମିତି ଆମେ ଠିକା ଏ ଜିନିଷ ଦେବୁ, ଏ ଠିକା ନେଇ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ, କେବଳ ଠିକା ଏଠି ଅଫିସର ରାଜ ପୁରା ଚାଲିଛି, ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲେଣି। ଏଠି ଆମର ଦାବି, ଏଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଓ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ନେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଘଟଣାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବି ସତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯାହା ବି ସବୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେତେ ଦୂର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରକୃତ ସତ କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ବରଙ୍ଗରୁ ଗୌତମ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ। ଏଠି ନନ୍ଦନକାନନରେ ସୁବାସ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଜୁନିୟର କ୍ୟାସିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସିଏ ଯେଉଁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଠି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଏରେ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାଟିଲୁନି, ସେ ବାକ୍ସର ଚାବି ସୁବାସ ମହାପାତ୍ର ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ଡିଡ଼ିଙ୍କ ମିଶିକି ସୁବାସ ମହାପାତ୍ର ଡିଡ଼ି ମିଶିକି ଏ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି।